जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना 8th क्लास दी चैप्टर 8 सैल बनतर ते कारज विधि आप कर रहे सीगे। एदे विच आपां ने हुण अपना नैक्सट टॉपिक है आपां सैल दे बारे कि सैल दी बनतर कह जी होंगी उन्होंने की कारज होंगे ने। हुण अज वाली आपां ने असाइनमेंट दे विच यह देखना है कि पौधा सैल ते जंतु सैल कैजे होंगे ने। पौद्या दे विच सैल कैजे होंगे ने, जंतु दे विच सैल कैजे होंगे ने। इहनू देखण तों पहला जिहड़ी पिछली असाइनमेंट जिन्हें नहीं सुनी ना समझी नहीं, वो समझो पहला पिछली असाइनमेंट तां समझी हो, ठीक है जी। हुण अपना क्वेश्चन यही है सिर्फ अज्ज दे दिन लई असाइनमेंट दे विच कि पौधा सैल ते जंतु सैल का चित्र बना के उन्हां च अंतर दसना है। देखो बेटा पहला तो आ पौधा सैल है, ठीक है, इहनू ध्यान नाल बना के याद करना। यह हैगा जंतु सैल, आ तो चलो ये एक हिस्सा दिखाया होया, ये थोड़ी मर्जी है समझाने लई, ये नहीं करना, बस आ पौधा सैल है, आ हैगा जंतु सैल, ठीक है। हुण देखो एक तो फर्क कि सीधा पता चलता जिहड़ी पौधा सैल की शेप हुंदी है, शकल हुंदी है। बेटा इंग्लिश ते पंजाबी मीडियम च दोनों करांगे। इहदी जिहड़ी शेप हुंदी है वो आयताकार टाइप हुंदी है, देखो आयत बनया होया ना इवें, जिहड़ी इहदी हुंदी है गोलाकार टाइप हुंदी है जंतु सैल की। पहला फर्क तो यह है, ठीक है, यही लिखे। देखो पहला इसका आकार आयताकार है, वह अंडाकार है। दूजी फर्क की है, ये जी वैक्यूलर है या रसदानी है, वैक्यूलर इंग्लिश या रसदानी जी है, जी खाली जगह है वो इस ज़्यादा होंगी है। ये जो खाली जगह देखो आ छोटी छोटी जी खाली जगह बनी हुई है घट होंगी है, देखो यही लिखी है। इसकी रसदानी वड्डी होंगी है, इसकी रसदानी छोटी होंगे हैं। तो ये देखो एक होर गल है, ये सैल झिली तो होंगी है, आ बाली जी है सैल झिली, बट ये उपर एक सैल कंध है जी, ये नहीं होंगी, ये सैल कंध होंगी। आ देखो अंदर आ दो लाइन बनी हुई हैं, जी अंदरली तो सैल झिली है, बाली है सैल कंध। आ देखो इन्हें बना के दिखाया हुआ सैल झिली तो सैल कंध भित्ती, मतलब सैल कंध मतलब कि पौधा सैल च सैल कंध होंगी है, जंतु सैल के सैल कंध नहीं होंगी, देखो यही लिखे है। तो ये जिहड़े छोटे छोटे बिंदी ने, मतलब कि ये पौधा सैल दे क्लोरोप्लास्ट होंगे ने, आ छोटे छोटे बिंदियां जी होंदियां, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। अच्छा जी, ये क्लोरोप्लास्ट आ छोटी छोटी जी बिंदियां ने क्लोरोप्लास्ट ने, छोटी छोटी बिंदियां नहीं है, इनू कहने आप क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। ये स्ट्रैटोसोम होंगे ने, इस नहीं होंगे, इस देखो बढ़िया बढ़िया लाइन नहीं है, इस निकड़े अंग स्ट्रैटोसोम होंगे ने, बस इन्ना क फर्क है, ये दोनों च ये डिफरेंस है। दुबारती देखिए, देखो पहला फर्क तो यही है कि दोनों इहदी शेप रैक्टेंगुलर या आयताकार होंगी है, पौधा सैल की जंतु सैल की होंगी है गोलाकार, ठीक है। दूजा फर्क यह है, ये सैल वॉल होंगी है उपरली सैल कंध होंगी, ये सैल कंध नहीं होंगी। तीसरा फर्क यह है, ये रसदानी बड़ी होंगी है, इस रसदानी छोटी छोटी ही होंगी, इस रसदानी कहने वेनुकुलर, ठीक है जी। ये क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे बिंदु क्लोरोप्लास्ट होंगे ने, ये नहीं होंगे, ठीक है जी। ये सेंट्रोसोम होंगे नहीं, इस होंगे नहीं सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जोड़े है ये होंगे ने, ठीक है जी। सेंट्रोसोम होंगे ने, इस नहीं होंगे, ये होंगे ने, ठीक है, सेंट्रोसोम ये होंगे हैं। बस बेटा इन्ना क्या, हम तुम की करनी है, कभी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। मेन आ दो डायग्रामा ने जी, आ नहीं है, आ भी नहीं बनाना उपर आ बिंदा जहा, आह जरा रैक्टेंगल जहा भी नहीं समझाना, यह सिर्फ यह दस्या है, जे तो आप फोकस करिए एज जी शेप दिखूगी होर कुछ, ठीक है। तुम दोनों आ डायग्रामा बनानी है, आ नहीं बनाना जी बिंदी जी, आ नहीं बनाना, ये सीधा उपर गोला जहा बना देना, ठीक है जी। तो इन्हों के अंतर पता होड़े कि पार्ट्स ने यह पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पक्का आंदा पेपर, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस।